रतन देव जी से मैं कहूँगा कि वो अपनी पार्टी में पहले बंसवास से मुक्ति पाए और हमारी पार्टी की चिंता न करें। अगर ऐसी कोई बात होती तो नौ नौ बार, आठ आठ बार, सात सात बार, छः छः बार लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एक ही क्षेत्र से कैसे जीत पाएंगे। मुद्दे कोई बयान प्रक्रिया नहीं, मेरी बात तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव पहुंच चुके हैं नामांकन स्थल पर, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और उनके साथ कई बड़े नेता और आजमगढ़ जिले के अलग अलग विधानसभाओं के विधायक भी हैं। और धर्मेंद्र यादव सीधा नामांकन स्थल की तरफ जाते हुए और गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद हवलदार यादव, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ और तमाम जो नेता हैं उनके साथ हैं। बता दें कि धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं अंतिम क्षणों में तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए, और अब नामांकन स्थल की तरफ आ चुके हैं और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र यादव को इस लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है और अब अपना नामांकन करने पहुँचे हैं। और ये विधायक सदर विधायक दुर्गा यादव भी नामांकन स्थल पर हैं। तमाम सपा के नेता नामांकन स्थल पर पहुंच चुके हैं और धर्मेंद्र यादव यहां से अधिकृत प्रत्याशी हैं अब समाजवादी पार्टी के। ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आजमगढ़ के सभी हमारे वरिष्ठ नेता, जो मैं समझता हूं आजमगढ़ जैसी वरिष्ठ लीडरशिप शायद यूपी के किसी जिले में होगी, इन सभी वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के अपने से जो फैसला लिया उस फैसले के तहत आज मैं आजमगढ़ की जनता के बीच सेवा करने आया। वो सुशील जी का पत्र आपने पढ़ा होगा, कुछ तकनीकी ऐसी दिक्कतें थीं और ये बीजेपी के लोग पर्चे को रद्द करने में बहुत भरोसा रखते हैं। आजमगढ़ की जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे कि जैसे आरोप लगता है सपा चुनाव जीतने के बाद नेता दिखाई नहीं देते जिले में, उस पर आप किस तरह? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता अगर ऐसी कोई बात होती, मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ, अगर ऐसी कोई बात होती तो नौ नौ बार, आठ आठ बार, सात सात बार, छः छः बार लगातार समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि एक ही क्षेत्र से कैसे जीतते। कहीं ना कहीं जनता का परम संतुष्ट है समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों से, यही कारण है कि लगातार आदरणीय विधायक जी हमारे बगल में है, नौ बार से विधायक है, शायद उत्तर प्रदेश में आदरणीय आजम साहब के बाद नंबर दो की वरिष्ठता विधायक होंगे। ऐसे ही और भी हमारे लीडर हैं, आदरणीय बल्लाम जी हैं, आदरणीय रमाकांत जी हैं, आदरणीय आलमबदी साहब हैं, आप देखिए ना इनकी वरिष्ठता को, कितने कितने बार ये लोग चुनाव जीते हैं। सर जैसे कि अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रतन देव जी से मैं कहूँगा कि वो अपनी पार्टी में पहले बंसवास से मुक्ति पाए और हमारी पार्टी की चिंता न करें। सर क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे 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 कोई बयान प्रक्रिया नहीं, मेरी भारतीय जनता पार्टी से छाया में मुद्दे सर क्या रहेंगे? छाया में चलिए, छाया में मुद्दे क्या रहेंगे? समाजवादी धारा और विचारधारा को बढ़ाना, आजमगढ़ के लोगों की खिदमत करना।